हाय गाइस, वीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर वीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सार्क तथा पॉली आर्क संवहन बंडल्स मिलते हैं एक बीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री स्तंभ में, द्विबीजपत्री स्तंभ में या द्विबीजपत्री मूल में। तो एक सार्क तथा पॉली आर्क संवहन बंडल्स एक बीजपत्री मूल में मिलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संवहन पुल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होते हैं तो इसे कहा जाता है एंड आर्क, फ्लोएम केंद्री, उभय फ्लोएमी या जाइलम केंद्री। तो जब एक संवहन पुल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होता है तो इसे उभय फ्लोएमी कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब जाइलम फ्लोएम द्वारा सभी ओर से घिरा होता है तो संवहन पुल कहलाता है फ्लोएम केंद्री, जाइलम केंद्री, समपार्श्विक या अड़िये। तो जब जाइलम फ्लोएम द्वारा सभी ओर से घिरा होता है तो संवहन पुल को जाइलम केंद्री कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे काष्ठीय हो जाते हैं कहलाती है एम्प्रिगनेशन, लिग्निफिकेशन, जीवाश्म भवन, कैल्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिग्निफिकेशन, इसके द्वारा पौधे काष्ठीय हो जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे काष्ठीय हो जाते हैं उसे लिग्निफिकेशन कहा जाता है। लिग्निफिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है जो विशेष रूप से उच्च पौधों में होती है। इसका मुख्य कार्य पौधे के संवहनी शरीर को मजबूत करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने में डिक्टियोस्ट्रिल रचना मिलती है मॉस में, फर्न में, द्विबीजपत्री पौधे में या मक्का में। तो फर्न के तने में डिक्टियोस्ट्रिल संरचना मिलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाहिनिकाएं वाहिकाओं से भिन्न होते हैं। अकेली कोशिका से विकसित होने में, अनुप्रस्थ भित्ति घुली हुई कोशिकाओं की ऊर्ध्व पंक्ति के होने में या जीवित होने में, या क्योंकि ये जल के संवहन में सहायता करती है। तो वाहिनिकाएं वाहिकाओं से भिन्न होता है क्योंकि अनुप्रस्थ भित्ति घुली हुई वाली कोशिकाओं की ऊर्ध्व पंक्ति के होने में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिनिकाएं तथा सहकोशिकाएं प्रमुख लक्षण है शैवालों के, कवकों के, आवृत बीजियों के या अनावृत बीजियों के। आवृत बीजियों की वाहिनिकाएं तथा सहकोशिकाएं प्रमुख लक्षण होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने में सबसे पुरानी द्वितीयक फ्लोएम की परत स्थित होती है ठीक प्राथमिक फ्लोएम के भीतर की ओर, संवहन एधा के भीतर की ओर, द्वितीयक जाइलम के बाहर की ओर या संवहन एधा के बाहर की ओर। द्विबीजपत्री तने में सबसे पुरानी द्वितीयक फ्लोएम की परत स्थित होता है ठीक प्राथमिक फ्लोएम के भीतर की ओर, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी पतली भित्तियों वाली चतुर्भुजाकार कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जाइलम, कैम्बियन, फ्लोएम या बल्कुट। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी पतली भित्तियों वाली चतुर्भुजाकार कोशिकाओं का बना उत्तक कैम्बियन होता है। कैम्बियन जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित विभुज्योत्की उत्तक है। इसकी कोशिकाओं के विभाजन के एक ओर जाइलम और दूसरी ओर फ्लोएम कोशिका बनती है जिसे द्वितीयक वृद्धि होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होता है तो संवहन पुल कहलाता है एंड आर्क, एक्स आर्क, उभय फ्लोएमी या समपार्श्विक।
तो जब जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होता है तो संवहन पुल उभय फ्लोएमी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता, कैम्बियम कोशिका, जाइलम वाहिका, मूलरोम या सह कोशिका। तो जाइलम वाहिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जाइलम वाहिका में केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री के फ्लोएम में कमी होती है चालनी नलिकाएं की, फ्लोएम रेशे की या सह कोशिकाएं की या फ्लोएम मृदु ऊतक का। तो एक बीजपत्री के फ्लोएम में फ्लोएम मृदु ऊतक का कमी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विलामिन ऊतक का कार्य है जड़ की सुरक्षा करना, परपोषी से जल का शोषण या वायु से जल का शोषण या जड़ का बहुवर्षीकरण। तो ब्लोमन ऊतक का कार्य होता है वायु से जल का शोषण करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक जाइलम की नवीनतम स्तर किसके बीच में होती है, पिथ और प्राथमिक जाइलम, संवहन कैम्बियम के ठीक बाहर, संवहन कैम्बियम के ठीक अंदर या कॉर्क कैम्बियम के ठीक अंदर। द्वितीयक जाइलम की नवीनतम स्तर संवहन कैम्बियम के ठीक अंदर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 80S राइबोसोम के 60S उपभागीय कण में आरएनए की संख्या होती है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। 80S राइबोसोम के 60S उभयभागीय कण में आरएनए की संख्या 3 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में होता है डीएनए और हिस्टोन, डीएनए अथवा हिस्टोन, हिस्टोन रहित डीएनए या ना तो डीएनए ना ही हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तत्व में डीएनए अथवा हिस्टोन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन ए एनावीना में, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास में, ऑप्शन सी बॉलवॉक्स में एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियोफोरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास में गुणसूत्रों के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास की एक विशेषता होती है कि इसमें आयन चैनल होते हैं जो सीधे प्रकाश द्वारा सक्रिय होता है। ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास में गुणसूत्रों की बजाय डीएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं क्लोरोप्लास्टों द्वारा, राइबोसोमों द्वारा, गोल्जीकायों द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो लाइसोसोम उत्पन्न होता है गोल्जीकाय द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणविक कोशिका भित्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, यह सत्य है, यह प्रतिजनी नहीं होता, यह भी सत्य है, यह जीवाणविक कोशिका को आकार प्रदान करती है, यह भी सत्य है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, यह कथन सत्य नहीं है, जीवाणविक कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता, यह कथन सत्य नहीं है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, न्यूक्लियोलस में या हरित लवक में। तो राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।